एसवाईएल नहर का पानी हरियाणा को मिले, इस मुद्दे को लेकर हरियाणा के हिसार में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रेड स्क्वेयर मार्केट में उपवास रखा। उपवास कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के जिलाध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र वीर चक्र ने की। वहीं मंच संचालन जिला महामंत्री प्रवीण पोपली व एडवोकेट धर्मवीर रतेरिया ने किया। भाजपा विधायक कमल गुप्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल पर हरियाणा के पक्ष में निर्णय दिया हुआ है और पंजाब सरकार को हरियाणा के हिस्से का पानी देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2004 में पंजाब विधानसभा में पारित पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया। इसके अलावा कोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा एसवाईएल के लिए अधिग्रहित की गई जमीन किसानों को वापस लौटाने के फैसले को भी अमान्य घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 1981 के जल समझौते से पंजाब खुद को अलग नहीं कर सकता है। जल बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2002 और 2004 में दिए गए फैसले को तत्काल लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को अपने हिस्से में एसवाईएल नहर का निर्माण जल्द से जल्द करने का आदेश दिया है। इसके बावजूद पंजाब हरियाणा को उसके हिस्से का एसवाईएल नहर का पानी नहीं दे रहा है। इसके कारण हरियाणा को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। यदि हरियाणा को एसवाईएल नहर का उसके हिस्से का पानी मिल जाए तो प्रदेश में पानी का संकट लगभग खत्म हो जाएगा। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता, राज्यसभा सांसद डॉक्टर डीपी वत्स, पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र पुनिया व हांसी के विधायक विनोद भयाना व करण सिंह रनोलिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। आज का जो हमारा इशू है, जब से पंजाब से अलग होकर उसके अंश के रूप में 1966 में हरियाणा का उदय हुआ, तो उस समय के माँ बाप, उस समय भारत की सरकार हरियाणा और पंजाब तीनों में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय भारत सरकार ने दो भाइयों को अलग करते हुए के मुद्दे पर उनके जो हकों की बात थी, एक दिन के अपवास के अवसर पर उनके जो हिस्सों की बात थी, भारतीय जनता पार्टी उनका ठीक से निपटारा नहीं किया। भूपेंद्र जी हमारे हांसी से, और वही जो झगड़े की जड़ उन्होंने छोड़ी वो आज तक चली आ रही है। डॉक्टर कमल गुप्ता जी 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में आई और भारत माता उस समय ये पानी का मुद्दा जो कि जीवन रेखा होती है, बिना पानी के यहाँ का किसान भूखा प्यासा रहता है, और पार्टी के तमाम वरिष्ठ उसको पूरा करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने महिला मोर्चा के प्रधान ये केस था, ये पेंडिंग पड़ा था, आप सभी गधे मुर्दे की तरह पड़ा था, उसको उखाड़ कर आज में तेजी लाकर सभी हमने सुप्रीम कोर्ट से यह केस जीता। अपने अपने तजुर्बे से आप सबके सामने अपनी बात रखी, और आज भी कुछ पत्रकार बड़े भाई को ये याद करवाने के लिए कि किसी लिए कि हम तुम्हारे छोटे भाई हैं, जहाँ तक मेरी अब हम तुमसे अलग हैं। उनको बताया आप माँ बाप की बात मानो, आप सुप्रीम कोर्ट की बात मानो, और छोटे भाई को प्यार समझ कर उसका हक दो ताकि यहाँ का किसान प्यासा ना रहे। इसलिए यहाँ का और जो एसवाईएल को रोक रहे हैं उनको पिज्जा और बर्गर खिलाते हैं, अगली तरफ किसान बैठे हैं। हाँ। और आज भूपेंद्र हुड्डा को कम से कम इतनी जोर के लिए रजाइयां भिजवा रहा है, मुझे बड़ी हास्य की बात है। कम से कम आप स्वयं जो बात कह रहे हैं मैं उसी की बात करता हूँ। बड़े भाई एक तरफ तो हम पानी मांगने के लिए उपवास पे बैठे हैं, स्वास्थ्य के लिए और वो हमारी इस बात का विरोध करें, इससे बड़ी हास्यपद बात क्या हो सकती है। आदमी कोई और बात कह रहा है, आदमी वो ये कह रहा है कभी मुर्दाबाद, अरे हमने उपवास रख लिया, जुलम कर दिया क्या, देश की जनता को क्या वो हरियाणा के नहीं आह्वान किया है कि किस प्रकार से कायदा, तो उनको भी यहाँ आकर बैठना चाहिए, उपवास करना चाहिए। अगर उनको यह बात पसंद नहीं तो हमारे खिलाफ जो उपवास में बैठे हैं उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाएं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.